नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे रिकॉर्ड्स की जो कि बने पीकेएल सीजन 7 में और उनके बारे में आपको नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले नंबर की रिकॉर्ड की हम बात करें तो वो संदीप कुमार धूल के नाम है, जिन्होंने 43 एंकल होल्ड्स किए और वो पीकेएल सीजन 7 के एकमात्र ऐसे डिफेंडर बने जिन्होंने 43 टैकल पॉइंट्स हासिल किए एंकल होल्ड से। बात करते हैं हम दूसरे रिकॉर्ड की, जो कि पवन सहरावत के नाम है। उन्होंने टोटल 70 रेड पॉइंट्स हासिल किए लास्ट 5 मिनट गेम के, जो कि पीकेएल सीजन 7 में ऐसा कोई नहीं कर पाया। बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो मास्टर ऑफ द डेथ जो कि सुमित, जिन्होंने इस साल अपना डेब्यू किया था। उन्होंने डू और डाई की सिचुएशन में कुल 27 टैकल पॉइंट्स लिए और इन्होंने हाईएस्ट टैकल पॉइंट्स लिए डुओ डाई रेड में। अब बात करते हैं हाई फ्लायर की, जो कि सीजन 7 का, उन्होंने कुल सक्सेसफुल रेट 75.1 की है। एवरेज रेड पॉइंट्स की बात करें हम पर मैच की, तो 14.4 उनके एवरेज पॉइंट्स है। सुपर 10 18 लगाए और सुपर रेड 13 किए, जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है और सबसे टॉप पर रेडर यही थे। बात करते हैं मोहम्मद नबी बख्शी की, जो कि फॉरेन कैप्टन बने पहले जिन्होंने ट्रॉफी उठाई पीकेएल सीजन 7 की। बात करें हम मंजीत चिल्लर और फजल अत्रांजलि की, ये ऐसे दो प्लेयर्स हैं जिन्होंने टॉप्ड किया है लीडर बोर्ड को दो बार, डिफेंडर्स की लीडर बोर्ड को। अब बात करते हैं हम अगले रिकॉर्ड की, जो कि दीपक निवास हुड्डा के नाम है। उन्होंने पीकेएल सीजन 7 में सबसे हाईएस्ट ऑलराउंडर प्रदर्शन किया और वो सीजन 7 के बेस्ट ऑलराउंडर रहे। बात करते हैं हम पवन सहरावत की, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रेड पॉइंट्स हासिल किए थे सीजन 7 में। उन्होंने अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग एफर्ट लगाया था, 39 रेड पॉइंट्स हासिल किए थे और उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है कि उन्होंने अपनी टीम के लिए टोटल रेड पॉइंट्स अकेले नहीं हासिल किए। अब बात करते संदीप धूल की, जिन्होंने 73 टैकल पॉइंट्स लिए, वो एंड ऑफ द लीग स्टेज के में लिए और उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि अभी तक कोई नहीं कर पाया था। बात करते हैं हम सूरज देसाई की, जिन्होंने 18 रेड पॉइंट्स लिए थे उनके डेब्यूट मैच में ही और वो हाईएस्ट डेब्यूटेंट बन गए पीकेएल हिस्ट्री के। बात करते हैं हम सुरजीत सिंह और सुमित की, जिन्होंने जॉइंट हाईएस्ट हाई फाइव लिए 7, जो कि पीकेएल सीजन सभी सीजन का टॉप मोस्ट है। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और अगले वीडियो तक खेलते रहिए और देखते रहिए कबड्डी। जय हिंद।